everyone, that is Sai. Welcome to my YouTube channel, that is Mami. I hope everyone is doing fine. Guys, this is my first haul video. So, मैंने shopping की है Street Child Store से. काफ़ी कुछ सुना है मैंने स्टोर के बारे में एंड मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके देखती हूँ. मैंने यहाँ पे एक ऑफर चल रही थी, बहुत सारे ऑफर चल रहे इस ऐप में, 5499, 3499 समथिंग. सो मैंने दो ट्राई किया है 5499. सो लेट्स स्टार्ट विथ माय फर्स्ट क्लोथिंग हॉल वीडियो. आई होप यू लाइक इट. टू पीस है ये, बेसिकली ये है टॉप. काफ़ी अच्छा कलर लगा है मुझे एंड इसकी प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छी है. गाइज, 999 में पास क्लोथिंग जो GST वगैरह लेके आई थिंक 1000-1100 तक जा रहा है. सो एट दिस प्राइस क्वालिटी तो बहुत ही एक्सट्रीम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट जो भी इस रेंज में आई है, दिस इज़ फॉर जस्ट 200 bucks, 210 विथ GST. सो अकॉर्डिंग टू द प्राइस आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट. प्लस इसकी जो हाथ पे जो डिटेलिंग दी थी ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे. प्लस यहाँ पे भी क्लासिक दिया हुआ है, सो इट मेक यू फील कंफर्टेबल. एंड इसमें ना हर एक क्लोथिंग में जितने भी मैंने लिए हैं सब पे स्ट्रीट स्टाइल स्टोर का लेबलिंग है. गाइस, एक चीज़ मैं बोलूँगी इसमें, फॉर एग्जाम्पल अगर जो भी आपका साइज है, मेक श्योर करना कि उसे एक साइज ऊपर ही मंगाओ, क्योंकि इसमें है इशूज थोड़ा साइजिंग का. इसका जो ये जो शॉर्ट्स आया है इसके साथ में, इसकी बेस्ट पार्ट मुझे अच्छी लगी है ना कि इसके साथ में पीछे एक इलास्टिक दिया हुआ है, तो साइजिंग का इशू कभी आएगा ही नहीं आपको. एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि इसमें पॉकेट भी है. द सेकेंड प्रोडक्ट विच आई ऑर्डर इज दिस वन. ये वन शोल्डर है बेसिकली. क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी है मुझे इसकी एंड पहनने के बाद एलिगेंट लुक आता है इसका. एंड इसकी जो डिटेलिंग दी हुई है ना गाइस, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि कुछ भी आपको पहनने के बाद अनकम्फर्टेबल नहीं होता. मैंने इसको एक पार्टी में भी पहनी थी, मैं उसका फोटो यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगी. जो थर्ड प्रोडक्ट आया था ना, इसमें मुझे चाहिए था येलो कलर, बट वो आउट ऑफ स्टॉक था एंड अवेलेबल ही नहीं था. इसमें ना फ्लक्चुएशन बहुत होती है, मतलब अगर कुछ आपको पसंद आए नेक्स्ट टाइम आप सोचो कि वो देख के मंगा लूँ तो वो मिलता ही नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक होता है या तो फिर दिखता ही नहीं है पूरे ऐप में. इसको ना मल्टी वे में पहन सकते हैं, ये एज अ स्ट्रक भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको प्रॉपरली, ठीक है, या तो फिर इसकी बटन को लगा के हम एज अ कुर्ती इसको पहन सकते हैं. बस मुझे इसमें एक कंप्लेन है, जो इसकी बटन आई है ना, ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती ना गाइस, तो ये आई थिंक ज़्यादा बेटर हो जाता. एंड स्पेशली इसका हाथ तो लाइक ये स्टील है, इसका हाथ बहुत ही मस्त लग रहा था, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था. एंड काफ़ी कुछ, मतलब इसको मैं अलग अलग चीज़ के साथ, इसको मैं शॉर्ट्स के साथ भी पहन सकती हूँ, जीन्स के साथ भी पहन सकती हूँ, तो ये काफ़ी मल्टीटास्किंग है. मतलब किसी भी आउटफिट के साथ इसको एक नया लुक दे सकती हूँ मैं, तो 200 में नॉट बैड डील, वेरी नाइस डील. तो ये था मेरा फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें से दो प्रोडक्ट मेरे कैंसिल हो गए थे. आई थिंक मेरे पास स्टॉक नहीं था या जो भी इशूज थे, बट उस दो प्रोडक्ट की वजह से आई थिंक उतना ज़्यादा डिले हो गया था, बट नेवर माइंड, प्रोडक्ट इज गुड. उसके बाद मैंने सेकेंड टाइम ऑर्डर किया. एक्चुअली मुझे कुछ ना घर पे पहनने के लिए चाहिए था, नाइट सूट एंड समथिंग लाइक, एंड मैंने देखा इसमें काफ़ी कुछ नाइट सूट के लिए अवेलेबल था. तो फर्स्ट थिंग जो हम देखेंगे वो है ये नाइट सूट. इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है, इसको पहनने के बाद इतना कंफर्टेबल फील होता है ना, लाइक जो मेरा पर्पज था ना इसको मंगाने का, दैट इज डन. दिस इज अ सेकेंड आउटफिट गाइस, ड्रेस भी बहुत ही कपड़ा सूदी है, बहुत ही कंफर्टेबल है. मतलब 200 में सीरियसली ये कहाँ एक्सपेक्टेड हो जाए कि ऐसा कुछ मिल जाएगा, और दो वो भी सेट ऑफ टू, मतलब और क्या चाहिए. सो आई एम सो हैप्पी विद दिस. द थर्ड नाइट शूट विच आई टेक इज दिस. ये एक्चुअली मैंने सोचा है कि कभी भी मैं कहीं बाहर, मोस्टली मैं बहुत ज़्यादा घूमती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है घूमना. सो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम अगर कहीं मैं घूमने जाऊँ तो ये है मेरा आउटफिट जो मैं वहाँ पे पहन लूँगी. 200 में आई एम तो वेरी सेटिस्फाइड, कोई कंप्लेन नहीं है मुझे इससे. ये भी फ्लावर प्रिंट है गाइस. ओके, एक्चुअली ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे मेरे पास, 5499 में जितने भी ऑप्शन अवेलेबल थे, जितने भी नाइट सूट थे उसमें मैंने सारे मंगा दिए, एंड ये चार ही अवेलेबल थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. यस, अभी अपडेट हुए होंगे तो हो सकते हैं ये दिखे ना आपको, या हो सकते हैं नए एडिट हो गए हो. ये मुझे ना फोटो में इतना सही नहीं लग रहा था,
मुझे लगा था कि ओके होगा होगा, बट आई थॉट कि हाँ घर पे पहनना है यार, ठीक है मंगा लेती हूँ। बट ये आने के बाद ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है इसका प्रिंट, सीरियसली। एंड सेम क्वालिटी, कोई इशू नहीं है, मतलब घर पे पहनने जैसा है, काफ़ी आराम से आप पहन सकते हो उसको काफ़ी टाइम तक। द लास्ट आउटफिट इज दिस जो मैंने अभी पहना हुआ है, ये मुझे 200 नहीं, ये मुझे 300 में पड़ा था, विद GST आई थिंक 300 में। लेकिन भाई ये स्टील है, मतलब इतना कंफर्टेबल है, प्लस इसका हाथ का जो पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा है। इस कपड़े के अंदर एक लेडिंग दी हुई है जो बहुत ही सॉफ्ट है। आई थिंक 300 में ये क्वालिटी है, कैन थोड़ा सा एक्सपेक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, बट ही बेहतरीन है। आई होप गाइस यू लाइक द क्लोथिंग विच आई ऑर्डर। सो इसके लिए यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू गो टू द ऐप स्ट्रीट स्टाइल स्टोर, जिसके लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। आई होप यू लाइक इट, एंड लेट मी नो आपको कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट लगा इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ 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 गाइज डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आई कैन ग्रो हियर, बिकॉज मैं काफ़ी कुछ एफर्ट्स डाल रही हूँ। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट, सो थैंक यू सो मच।